मेरा हाथ पूरा जल चुका है गरम गरम इनसे। लेकिन कहावत तो सुनी होगी, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। तो आज का जो अपना व्लॉग होने वाला है वो फल वाला व्लॉग होने वाला है, क्योंकि कर्म हमने पिछले व्लॉग में कर लिए हैं, हमने बहुत मेहनत करी है। अगर आपने नहीं देखा तो इधर लिंक आ रहा होगा उसका, तो आप जाके देख सकते हैं। हम खेतों से अनाज लेके आए हैं और बहुत सारे काम हमने उस व्लॉग में किए हैं, और आज उसके फल की बारी है। और फल मतलब कि जो उस खेत से हमने अनाज प्राप्त किया है उसको बनाने की बारी है आज। और फल अगर मीठा हो जाए तो फिर बात ही क्या है। यह है तिल, जो आज के व्लॉग का हमारा पूरा ऐसा ना बेस है, मतलब पूरा व्लॉग इसी पे डिपेंड है, क्योंकि आज अपन बनाएंगे तिल के लड्डू। मतलब कुछ ऐसा झटका जैसा आया नहीं है, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, मम्मी पापा का व्रत भी है, और मैंने सोचा फिर मौका भी है, दस्तूर भी है, मेहनत भी करी, और फल तो वही बनता है। तो अपन बनाएंगे आज तिल के लड्डू। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट को, क्योंकि लड्डू में थोड़ा बहुत सामान लगता है, क्योंकि टेस्टी बनाना भी उसे आवश्यक है। तो उसको टेस्टी बनाने के लिए मैं जा रहा हूँ मार्केट, थोड़ा सा सामग्री लेके आई जाएगी। और मतलब अभी कह के मेरे मुँह इतना पानी आ रहा है कि मुझे इंतज़ार नहीं है मार्केट जाने का, तो मैं जाता हूँ मार्केट। साथ चलोगे? चलो, कौन सा घर में बैठ के तुम कोरोना की वैक्सीन बनाने वाले हो, चलो घुमाई हो जाएगी। मैं भी जब तक का पहाड़ हूँ, ऐसे मज़े ले लो हमारे साथ, फिर तो हम भी दिल्ली और हमारे साथ तुम भी दिल्ली। तो दिल्ली भी चलोगे ना हमारे साथ? बस यही तो चाहिए हमें, दिल्ली हो या पहाड़, संबंध बने रहने चाहिए। और मैं व्लॉग इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ करता हूँ देखो तो मैं काला दिख रहा हूँ, और अपने ही व्लॉग में मैं काला दिखूँ ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलते हैं मार्केट और माल टाल लेके आते हैं, लड्डू खाएंगे आज, चलो। जो मेरे को चाहिए था मैंने ले लिया लड्डू के लिए। लेकिन भाई ना, जब भी आप पहाड़ों में सामान लो तो ऐसे खुली पॉली में मत ले जाना भाई कभी भी। अभी मैं आ रहा था, एक बंदर ऐसे ऊपर पेड़ से बैठा था, ऐसे दिख रहा था मुझे, मेरे को बस लगा था अब वो अटैक करेगा और अब मैं भागूँ। मतलब ये वाली सिचुएशन हो गई थी, मैंने सर नीचे किया और बस मैं चलता रहा। अगर वो अटैक करता मेरे पर, बचने के लिए कुछ नहीं था, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में सामान, ले जा तेरा ही है, बस ऐसा वाला होता मेरा। तो इसलिए भाई सेफ्टी रख लेना ये वाली। तो आपसे मिलते सीधे घर में, सामान वगैरह ले लिया, बस जल्दी से लड्डू बनेंगे और हम खाएंगे, एक चुटकी में मिलते हैं आपसे। तो हमारी घर वापसी हो चुकी है, सारा सामान सैनिटाइज कर लिया, खुद को मैंने सैनिटाइज कर लिया है, और अब चलते हैं हमारी खुफिया जगहों पर। खुफिया जगह मतलब गोट में, जहाँ पर अपना ऐसे ना पहाड़ी चूल्हा और पहाड़ी हम चीज़ें बनाते हैं, चलो। हाँ, तो ये है हमारा खुफिया एरिया। खुफिया एरिया मतलब गोट हमारा, जहाँ पर पहाड़ी चूल्हा है, और पहाड़ी चूल्हे में ही पहाड़ी खाना बनेगा, और हमारे तिल के लड्डू भी वहीं बनेंगे। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए, पहले तिल, गुड़, मूंगफली और घी, बस चार। इन चार चीज़ों में तिल के लड्डू तैयार हुए। कोई ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये करो वो करो, सिंपल सी ट्रिक है, चुटकियों में लड्डू तैयार। मेरा ये फर्स्ट टाइम है और आप पे फर्स्ट टाइम होगा शायद, बनाते हुए देखना। खाया तो अपने बहुत बार होगा मुझे पता है, लेकिन सामने सामने पहली बार। तो अब अपना सबसे पहला काम है यहाँ पर इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा क्रश करना है, घी को छोड़ के। घी को क्रश क्या करोगे भाई? तो बस चुटकियों का काम है, ऐसे चुटकी बजाएंगे और सारा सामान क्रश हो जाएगा हमारा। ये देखो, हो गया नहीं हो गया क्रश? जादूगर आदमी तुम्हारा भाई। लेकिन जो हमारा तिल का दाना है वो वैसी का वैसी है, क्योंकि इसको क्रश करने के दो तरीके हैं, और जो प्रॉपर पहाड़ी तरीके हैं ना वो होता है ओखल में। अब पहले आपको ओखल दिखाता हूँ, फिर आपको दूसरा तरीका बताऊँगा, और हम इसको ओखल में क्रश नहीं करेंगे। पहाड़ी ब्लॉग में पहाड़ी चीज़ नहीं हो रही है, ऐसा क्यों? उसके पीछे भी रीज़न है। तो पहले आपको ओखल दिखाते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं, चलो। तो यह है ओखल, इसे बोलते हैं पहाड़ी में उखो। इसके अंदर अनाज पीसा जाता है, हम इसमें तिल भी पीस सकते हैं, लेकिन इसका साइज़ देखो ना आप, इतना बड़ा है, और इसके अंदर अनाज ही बहुत सारा आएगा। हमने इतना ज़्यादा तिल का लड्डू नहीं बनाना, हमने सिर्फ 8-10 लड्डू बनाने, क्योंकि खाने वाले भी कम है और इतना तिल हमारे पास है भी नहीं, तो इसलिए हम अनाज इसमें नहीं पीस रहे हैं, हम पीसेंगे इसे मिक्सी में या फिर सिलबट्टा जो होता है हमारे पहाड़ में उसमें पीसेंगे। एक तरीका तो यह है कि भाई इसको उखल में कूट लो आप, अगर आपको ज़्यादा लड्डू बनाने हैं तो। और दूसरा तरीका यह है, इसको सिलबट्टे मिक्सी में कर लो, और हम अपनाएंगे दूसरा तरीका, क्योंकि हमने लड्डू काफ़ी कम बनाने हैं। तो अब देखो पीसने के बाद ये कैसा दिखता है। यहाँ पर हल्का पिसा हुआ तिल, मूंगफली क्रश करी हुई, गुड़ क्रश किया हुआ और घी, बस इन चारों को मिलके ही बनेगा तिल का लड्डू। तो शुरू करते हैं। अब पीछे हमारा चूल्हा जल चुका है, इसको चूल्हे में चढ़ाएंगे, और जितनी बार मैं चूल्हे में खाना बनाता हूँ ना, एक अच्छा भी लगता है कि प्रॉपर पहाड़ी चीज़ आपको दिखा रहा हूँ मैं, लेकिन जो धुआं है ना मत कहो भाई। तो इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ाते हैं, कढ़ाई के ऊपर डालते हैं हम तिल और तिल के लड्डू। तिल इसमें डल चुके हैं, बस इसको ऐसे 3-4 मिनट तक घुमाना है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, बिकॉज
धुआं काफी ज्यादा है, लेकिन पहाड़ पहाड़ है, चूल्हा चूल्हा है, पहाड़ी चूल्हे का मजा अपना है। देखो तो तिल हमारे हो चुके हैं, इसके बाद इसमें डलेगा घी और उसके बाद गुड़। देखो इसमें आप तो हमारा यहाँ पे गुड़ डाल चुका है, और जो गुड़ डालने के बाद की जो प्रोसेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, उसमें ना काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा व्लॉग में कम ध्यान दूंगा तो माफ़ी देना, लेकिन आपको प्रोसेस पूरी समझाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो ना कि यार लड्डू बनाने के चक्कर में घर वाले मेरा लड्डू बना देते, बेकार बनाए तूने। ये धुएं से बड़ा सब ज़्यादा है। इसमें मिला दी हमने मूँगफली, इसमें तिल, ठीक है, और इसको उतार दिया हमने गैस से। तो इसके बाद हमने गुड़ में मूँगफली मिला दी और तिल मिला दिए हैं। अब इसको हमने ठंडा होने से पहले लड्डू बनाने, तो इसको थोड़ा पहले मिक्स कर रहा हूँ मैं फटाफट। A few moments later. तो ये जो फ्यू मोमेंट थे वो इस व्लॉग के सबसे तगड़े फ्यू मोमेंट थे, क्योंकि लड्डू मेरे से नहीं बने। बच्चों तेरी किस्मत कोई और ले गया, क्या सोचा था तू? मैंने कहा था कि मैं बनाऊंगा लड्डू, मैं बनाऊंगा, लेकिन भाई आज मेरा हाथ पूरा जल चुका है गरम गरम से, लेकिन लड्डू नहीं बन पा रहे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने वो सारी चीज़ें फेंक दी और कुछ भी नहीं बनाया, उसके बाद पहले मम्मी ने कुछ बातें सुनाई, समझ रहे हो, कुछ बातें सुनाई, उसके बाद मम्मी ने लड्डू बनाए, और लड्डू आप देख लो, ये है लड्डू भाई, अभी मैं लेके आया हूँ, पूरा लड्डू सही बना है, बस ना थोड़ा सा शेप में नहीं आया उसका टेस्ट। देखो टेस्ट बहुत सही हो रहा है इसका, थोड़ा बनाने में मेरे से गलती होगी कि वो शेप में नहीं आया, शायद गुड़ ज़्यादा हो गया, घी ज़्यादा हो गया, लेकिन टेस्ट भाई साहब पापा तक कह रहे थे कि इसका टेस्ट ऐसे ही होता है बेटा, बस थोड़ा सा तेरे से बनाने में गलती होगी, लेकिन टेस्ट मुँह में पानी आ रहा। तो इसी लालच को अपने दोस्तों को दो, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो। एक बार तो मैं ये भी सोच रहा था कि व्लॉग डालूँ या ना डालूँ, लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया ना, मैंने कहा भाई बने तो बड़े सही हैं, डालना पड़ेगा। तो अगर पसंद है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हर बार चीज़ें अच्छी नहीं होती, कभी कभी कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, इसलिए आज थोड़ा हमारा गलत हुआ, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं है। मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, उंगली भी चाटने का मन कर रहा बहुत सो, मिलेंगे आपसे ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये मत कहना कि तू लालच दे रहा है भाई, फूड ब्लॉग है, टेस्ट को पूरा आपको फील लेके बताना पड़ेगा ना कि कैसा हो रहा पूरा मुँह ना। चलो बाय बाय, लालच दो अपने दोस्तों को भी भाई, अभी तो बहुत बचे मेरे पास, तो वही है तो आ सकता है, यहाँ से ऊपर से रास्ता है हमारे घर का।